भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से किसानों के धरने का समर्थन दिया गया है। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का आंदोलन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। इस दौरान किसान आंदोलन में पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही सरकार द्वारा किसानों के साथ की जा रही अनदेखी के बारे में सरकार की आलोचना की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा के प्रभारी महेंद्र सिंह राठी ने बताया कि पिछले काफी दिनों से लघु सचिवालय के समक्ष भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई है, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई थी, परंतु अब किसानों के हकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, जिसको भारतीय किसान यूनियन कभी भी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में किसानों की दुर्दशा हो रही है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर रही है, नमी के नाम पर भी किसानों की फसल को MSP से कम रेट पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के 17 संगठन आंदोलन पर है और सभी एकजुट हैं। अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन को लंबा किया जाएगा और सभी संगठन इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे, साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के विरोध में एवं कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेशों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। किसान कामकाज छोड़कर धरना करने पर मजबूर हैं। वहीं पंजाब व हरियाणा के किसान संगठनों ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि समय रहते उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगामी दिनों में दिल्ली में विशाल रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे जो भी गंभीर परिणाम सामने आएंगे उसके सिर्फ सरकार जिम्मेदार होगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा प्रदेश प्रभारी इस संगठन के धरने से खट्टर सरकार को मैं मांग करता हूं और ये सारे साथी जो यहां बैठे हैं मांग कर रहे हैं कि किसानों का धान खरीदने में जो परेशानियां हो रही हैं या तो उनको दूर कर दो वरना आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये किसान सड़कों पे उतरने के लिए आपने मजबूर कर दिया है और इस हालात में आप पछताएंगे। आप वायदा कुछ करके आए थे किसानों की फसल को खरीदने के लिए, आपने जो योजना बनाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो फेल हो चुका है। आज किसानों की धान खरीदी नहीं जा रही, टोकन उनको इशू नहीं हो रहे, फॉल्टी टोकन इशू हो रहे हैं और कई कई दिन से धान मंडी में पड़ी है। 20-22 दिन से जो धान खरीदी गई है उसके पैसे आज तक नहीं मिले हैं किसानों को। हम इस हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, सबसे प्राथमिकता इस बात की है कि फसल किसानों की तुरंत खरीदी जाए और उसकी पेमेंट दी जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, बैठे हैं कई दिनों से? तीसरा दिन है आज हमारा, 16 तारीख से लेके आज 18 तारीख आपके सामने हो चुकी है। हमारा तो एक ही है कि भी एक सबसे पहले जो ये पहले भी आपको बताया गया कि जो मोर्चर 17 का था उस पर जो है मोदी सरकार जो है खट्टर सरकार वो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा एक अन्यायी कर रही है। दुखदायक वाली बात है कि 5-5 दिन लगातार उनकी जीरी जो है अभी भी पड़ी हुई है। कोई ऐसा इलाका नहीं प्रदेश के अंदर, सभी जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि भाई जो जीरी है आज वो 17 मोचर के हिसाब से इन्होंने कहा था, 19 पे कहा था कि हम मोचर देंगे मगर कट लगा के 30 रुपये पंखे के हिसाब से भी देंगे। आज किसान जो है वो इस बात पर राजी हो गया, अभी कट भी लग जाए कोई बात नहीं है, पंखा भी लग जाए कोई बात नहीं, मगर हमारा धान तो खरीदा जाए, मगर उसको MSP पे ना खरीदते हुए, समर्थन मूल्य पे ना खरीदते हुए 1700 रुपये के हिसाब से रेट लगा रहे हैं। और दूसरी बात, जो 3 अध्यादेश कानून कलाले लेके आई है सरकार जो है शांता कुमार कमेटी के अनुसार, नितिन गडकरी की रिपोर्ट के अनुसार, समर्थन मूल्य पर जो इन्होंने कहा था कि हम देंगे आपको MSP रेट पे देंगे वो नहीं दे रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। इसीलिए हमने आज धरने पे बैठे हुए हैं कि भाई आगे चल के जो है ये जो हमारा आंदोलन है ये किसी तरह से सारा हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होकर जिस तरह भी हमारी आगे मीटिंगें चल रही है तो जस्ट हम जो है दिल्ली को कूच करेंगे, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। और भाईचारे कब तक चलेगा यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमारा चलेगा, ये कुछ दिन धरना चलेगा, उसके आगे आगे हो सकता है इसको और लंबा चलाने की कोशिश करें। जैसे भी हमारे 17 संगठन है बैठ के मीटिंग करेंगे, उसी हिसाब के मुताबिक धरना भी उसी हिसाब से चला हुआ है।
जो तीन अध्यादेश सरकार ने लागू किए हैं किसानों के ऊपर, किसानों की तो डिमांड ही नहीं थी। एक क्षेत्र बचा हुआ था, जिस प्रकार से सरकारों ने ये जो विभाग थे सभी का निजीकरण कर दिया, इसी प्रकार से खेती का कृषि का भी निजीकरण कर दिया, ये प्राइवेट हाथों में दे दी। प्राइवेट लोग जो कंपनियां आएंगे वो अपनी मर्जी से ही उसका भाव देंगे, अपनी मर्जी से आगे बेचेंगे। इसमें जो उत्पादन करने वाला किसान है उसका शोषण तो हो गई होगा, लेकिन जो उपभोक्ता लोग हैं वो उपभोक्ताओं का भी लूट होगी। ये जो तीन अध्यादेश है हम इनको वापस करने की डिमांड करते हैं। और दूसरा, जो पिछले 2006 से इतने सालों से किसानों की एक मांग थी वो तो लागू नहीं करी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो थी उसको लागू करने की बात कह रहे थे किसान, वो तो लागू नहीं की और ये थाली में परोस दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.